नमस्कार साथियों, वेलकम टू माय चैनल्स वी एस एजुकेशन्स हबमन। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में अपन बात करेंगे माय डियर एस्पिरेंट्स आईबीपीएस आरआरबी 2020 का जो प्री, यानी कि एक तरह से प्री प्लस मेन क्लर्क और ऑफिसर्स लेवल्स की एग्जाम्स की तैयारी आप कैसे करें। राइट, फॉर्म आपके फिल करने क्लोज हो चुके हैं, बट अब रही आपकी तैयारी की बात, यानी कि प्रिपरेशंस की बात। कैसे प्रिपेयर करें, स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस आ रहे थे सर, मेंस की प्रिपरेशंस कैसे करें, स्पीड कैसे इंक्रीज करें, ये सब कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स आपको आज इस पर्टिकुलर वीडियो में मिलने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। कोई भी आपका प्रॉब्लम्स हो, कोई भी आपका डाउट्स हो, कोई चीज़ आपको पूछनी हो, आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा। बहुत से कमेंट्स आ रहे थे, उन सभी को एक तरह से मद्देनजर रखते हुए मैंने वीडियो ये बनाया है। ओके, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, सेशंस को अंत तक देखिएगा। 100% आपको बहुत हेल्प करेगा अपनी प्रिपरेशंस के लिए, कॉन्फिडेंस के लिए। ओके, क्योंकि मैं प्री और मेंस दोनों की, क्लर्क की और ऑफिसर्स स्किल्स की, दोनों की स्ट्रेटजी क्या रहेगी, अब इन दिनों में कैसे अपन आप तैयारी करोगे जो एग्ज़ाम्स की, अब फॉर्म आपकी फिल की एक तरह से फॉर्म भरने कंप्लीट हो चुके हैं। राइट, पूरे के पूरे फॉर्म फिल गए, लास्ट डेट उसकी निकल गई है। राइट, अब कैसे आप प्रिपेयर करेंगे, किस बेसिस पे अपनी स्पीड इंक्रीज करेंगे, सब कुछ अपने इस वीडियो में डिस्कशंस करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। एंड बिफोर दैट, हमेशा की तरह वीडियो आपको अच्छा लगे, कुछ भी आपकी हेल्प कर पाऊँ तो लाइक करना, शेयर करना, स्टूडेंट तक पहुँचाइएगा। एंड देन सब्सक्राइब नहीं किया चैनल्स को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल डेट लिख लीजिए, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट है, बाकी डेट्स तो निकल चुकी है, यानी कि 13th of June का ये फॉर्म फिल करना नोटिफिकेशंस आया था, 1 July से आपके एप्लीकेशंस स्टार्ट हो गए थे, फॉर्म फिल करना स्टार्ट हो गए थे। देन ये लास्ट डेट थी इसकी 21st of July। राइट, 21st of 21 July इसकी लास्ट डेट थी। राइट, 21 July तक आप फॉर्म फिल कर सकते थे। अगर आपने नहीं किया है कोई बात नहीं, अगर किया है तो प्रिपरेशंस कंटिन्यू रखिए, क्योंकि कंपटीशंस बहुत हाई है। राइट, लगभग एक तरह से कह सकते हैं 10 लाख फॉर्म इसमें फिल हो चुके हैं, 10 लाख फॉर्म फिल हो चुके हैं। राइट, तो प्रिपरेशंस आप कंटिन्यू रखिए, स्पीड आपकी बढ़ाइए। राइट, बहुत बड़ा कंपटीशंस है, बहुत टफ कंपटीशंस है। राइट, अगर आपने आपको फॉर्म, अगर आपको डाउनलोड अपना जो फॉर्म आपने भरा है वो आपको डाउनलोड करना है, तो आप 5 अगस्त, इसकी लास्ट डेट है 5 अगस्त तक, आप अपना अगर आपने फॉर्म डाउनलोड नहीं किया है। राइट, कभी कभार फॉर्म डाउनलोड नहीं करते, प्रिंट नहीं निकालते, तो आप 5 अगस्त तक ये फॉर्म अपना निकाल सकते हैं। राइट, इसकी लास्ट डेट 5 अगस्त है, बट पेमेंट की आपकी 21st of July थी जो कि निकल गई है। ओके, ये डेट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। अब बात करते हैं, एक स्टूडेंट से, माय डियर स्टूडेंट्स, एक सब्सक्राइबर है मेरा, एक तरह से अभिषेक कुमार, जो कि बिहार से हैं। राइट, ये अभिषेक कुमार हैं, ये बिहार से हैं। राइट, इन्होंने एक कमेंट्स किया था, सर मैं बिहार से हूँ, 2019 में इन्होंने ऑफिस असिस्टेंट प्री का एग्ज़ाम्स दिया था, इनमें इनके नंबर्स आए थे 75 out of 80, बहुत ही अच्छे नंबर आए थे। राइट, इनका सिलेक्शन प्री में हो गया था। राइट, प्री इनका क्लियर हो गया था, बट मेंस में यह क्लियर नहीं कर पाए थे। राइट, फिर मेंस में इनका सिलेक्शंस नहीं हुआ था। राइट, ये पूरा देखिए जनरल्स में लगभग इनका एक डाउट्स क्या है, देखिए जो इम्पोर्टेंट डाउट्स है, देखिए 75 नंबर आए थे बट मेंस में नहीं हुआ। इस बार जनरल्स में, यानी कि 2020 में, अभी की बात कर रहा है। राइट, 2020 में जनरल्स की वैकेंसी ओनली फॉर 23 है, यानी कि 23 वैकेंसी है आपकी जर्नल्स की बिहार में, ये इनका कहना है। राइट, इस बार अब इनके दिमाग में एक क्वेश्चन है अभिषेक कुमार के, राइट, कि अब इतनी कम वैकेंसी में कैसे प्रिपरेशंस करूं, क्या प्रिपरेशंस करूं, फॉर्म तो इन्होंने भरा है बट कैसे ये प्रिपरेशंस का, प्रैक्टिस का तरीका क्या होगा। ये भी देखिए, ये पर्टिकुलर एक जो अभिषेक कुमार है, इनकी क्वारी नहीं है, बहुत से स्टूडेंट्स की यही समस्या है कि वैकेंसी कम है सर, कैसे प्रिपेयर करें, कितना बड़ा टफ कॉम्पिटिशन्स होगा, यह भी अपन जानने की कोशिश करेंगे। बट मैंने फिर इसको इनको रिप्लाई दिया था, 75 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 80, बट मेंस के मार्क्स मैंने पूछे थे। राइट, इन्होंने मेंस के मार्क्स बताए थे
101.5, इनकी तबीयत खराब होने की वजह से इनका सिलेक्शन नहीं हुआ था, राइट। 7 डेज के लिए ये इनका कहना है कि इनकी तबीयत खराब थी, हॉस्पिटल्स में थे 10 दिनों के लिए, राइट, एडमिट थे, तो राइट, तो इसके बेसिस पे इनका सिलेक्शन नहीं हुआ था। 101.5 out of 200 इनके मार्क्स आए थे मेंस के एग्जाम्स में, बट इनका सिलेक्शन नहीं हुआ था। देखिए, पार्टिकुलर इनका क्वारी नहीं है, इनकी एक तरह से कह सकते हैं समस्या ये नहीं है कि वैकेंसीज कम है, राइट, कैसे सिलेक्शन होगा। तो देखिए, मैं आपको डिटेल्स में बताता हूँ बहुत ही अच्छे से, 100% आप उस चीज़ को फॉलो कीजिएगा, उस चीज़ को से कंटिन्यू करते प्रैक्टिस कीजिएगा, गारंटी है वैकेंसी चाहे कितनी ही हो, राइट, आपको एक सीट के लिए फाइट करनी है, एक सीट ओनली फॉर वन सीट आपको चाहिए, उसके लिए आपको फाइट करनी है। कैसे फाइट करोगे, क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत टफ है, ओके। आइए स्टार्ट करें, ये एक तरह से पर्टिकुलर मैसेज था ऑल ओवर स्टूडेंट्स के लिए, बहुत से स्टूडेंट्स का यही मैसेज हो सकता है, कुछ स्टूडेंट्स न्यू हैं, बिगिनर भी हैं, राइट, राइट, जो स्टार्ट कर रहे हैं प्रिपरेशन, फर्स्ट टाइम फॉर्म फिल किया, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने लास्ट टाइम फॉर्म फिल किया था बट सिलेक्शंस नहीं हुआ, स्पीड की वजह से, एक्यूरेसी की वजह से, कोई और प्रॉब्लम्स हो सकती है उसकी वजह से, राइट, तो सभी डाउट्स यहाँ पर क्लियर होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जाम्स की डेट को जानने की कोशिश कीजिए, राइट, अपन प्री और मेंस दोनों जानेंगे, ये है आपका प्री के एग्जाम्स का शेड्यूल है, राइट। देखिए, एग्जाम्स की डेट है आपका सितंबर से अक्टूबर, राइट। देखिए, एग्जाम्स कब होने के चांसेस ये बन सकते हैं, आईबीपीएस के एडमिट कार्ड हैं वो आपकी जारी होंगे अगस्त 2020 में, राइट, अगस्त की आपकी 2020 यानी कि अगले मंथ, राइट, अभी जुलाई चल रहा है तो नेक्स्ट मंथ आपकी एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएंगे, बट आईबीएस एग्जाम्स की जो डेट्स हैं प्रीलिम्स की वो सितंबर अक्टूबर में है, राइट। ऑफिसर्स लेवल्स की प्रीलिम्स एग्जाम सितंबर अक्टूबर और असिस्टेंट के एग्जाम से वहाँ भी आपके सितंबर अक्टूबर, इट मीन्स आपके सितंबर में एक ना एक पीओ का एग्जाम्स तो जरूर होगा, राइट। एंड रिजल्ट्स की बात करें तो ये अक्टूबर में इसका रिजल्ट्स दे रखा है, अक्टूबर में इसका रिजल्ट्स दे रखा है, राइट। एडमिट कार्ड से 10 से 12 डेज आपको देता है, राइट, 10 से 12 डेज देता है अगर आपको एडमिट कार्ड, सपोज कीजिए आज की डेट में यानी कि 1 अगस्त को आपके एडमिट कार्ड आए तो आपका 100% 15 अगस्त या 14 अगस्त को आपका एग्जाम्स कंडक्ट कराया जाएगा, राइट। ये डिफरेंशिएट होता है, इसके बेसिस पे आप निकाल सकते हैं। ये एक तारीख दे रखी है, कोई ऐसा नहीं है, एक्सटेंड भी हो सकता है डेट, आप रेगुलर चैनल्स को फॉलो कीजिए, मैं आपको रेगुलर इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा, ऐसा नहीं है फिक्स डेट है, कुछ भी चेंज हो सकता है, आपके मालूम है कोविड की सिचुएशंस क्या चल रही है, ओके। तो ये तो थी आपकी डेट्स रिलेटेड, यानी कि सितंबर अक्टूबर, सितंबर के लास्ट या अक्टूबर के फर्स्ट में आपका एग्जाम्स कंडक्ट जरूर होगा, क्योंकि अक्टूबर में रिजल्ट्स की डेट्स दे रहा है, राइट, अक्टूबर में, राइट, ये अक्टूबर में डेट दे रहा है, ओके। अब चलते हैं आपके कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। देखिए, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं IBPS, RRB, PU या और प्रिपरेशन कर रहे हैं ऑफिस असिस्टेंट, दोनों में सेम चीज रहती है, क्वांटिटी, एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, राइट, मैथ्स और रीजनिंग दो सब्जेक्ट रहते हैं, 40-40 क्वेश्चंस पूछना है, राइट, 40-40 क्वेश्चंस, टोटल 80 क्वेश्चंस होते हैं, राइट, एंड देन आपकी मार्क्स भी अब कितनी है, और आपको टोटल टाइम दिया जाता है 45 मिनट्स, पूरा का पूरा कंपोजिट टाइम है, राइट, आपको 80 क्वेश्चंस करने हैं, चाहे ऑफिसर्स स्किल्स हो चाहे ऑफिस असिस्टेंट हो, प्री के एग्जाम्स की बात कर रहा हूँ। देखिए, बहुत से स्टूडेंट्स पे मायने रखता है, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स इस फॉर्म को फिल करते हैं, वाई, क्योंकि इसमें इंग्लिश नहीं होती, इंग्लिश नहीं होती इसमें, ओके। अब देखिए, आपको प्रिपरेशंस किस बेसिस पे करनी है, पहले अपन प्री की बात करते हैं, उसके बाद देन अपन मेंस की बात भी करेंगे, ओके। कोई आपकी डाउट्स रहता है तो पूछ लीजिएगा। देखिए, न्यूमेरिकल्स एबिलिटी एंड आपकी 40 क्वेश्चंस आपके ऑफिसर्स में है और ऑफिस असिस्टेंट में है आपकी 40 क्वेश्चंस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप बिगिनर हैं तो हमेशा ध्यान रखिए, बिगिनर एक चीज़ को फॉलो कीजिए, पेपर्स, राइट। अगर लास्ट ईयर्स के पेपर्स को आप देखोगे, राइट, जो लास्ट ईयर 2019 के पेपर्स हैं, मेरे चैनल्स पे भी उपलब्ध है, वहाँ से भी आप जाके देख सकते हैं, पेपर्स को वॉच कीजिए, देखिए क्या पेपर्स का पैटर्न है, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट,
उसके बेसिस पे अगर आप बिगिनर की बात कर रहा हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके बेसिस पे आप प्रिवेशंस अपनी कंटिन्यू रखिए, राइट। प्रिवेशंस अपनी कंटिन्यू रखिए, टॉपिक बेस पर डिस्कशंस कीजिए, अपनी स्पीड आपको कैसे बढ़ानी है, कैलकुलेशंस कैसे बढ़ानी है, क्योंकि प्री में आपकी कैलकुलेशंस अच्छी होगी मैथ्स में, तभी आप एग्जाम्स क्लियर कर पाएंगे। स्पीड में स्पीड कैसे बनेगी, रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए, 5 नंबर सीरीज। अब देखिए रेगुलर बेसिस पे 5 नंबर सीरीज, 10 अर्थमेटिक के क्वेश्चंस, राइट, रेगुलर बेसिस पे कीजिए। अर्थमेटिक के क्वेश्चंस, डीआई के क्वेश्चंस रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ही हलवा टाइप डीआई पूछता है एग्जामिनर प्री के लेवल के एग्जाम्स में, अगर आप बिगिनर हैं तो, राइट। रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए, कोई अर्थमेटिक के क्वेश्चंस मेरे चैनल्स पे अवेलेबल हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं, अपनी जो प्रिपरेशन है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, राइट। कोई चीज़ नहीं समझ में आती, मैं 100% आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, आप जरूर पूछिएगा, ओके। अब जो एक तरह से जिन्होंने लास्ट टाइम फॉर्म फिल किया है, जिनके देखा हुआ, उनको एक चीज़ सजेस्ट करूँगा माय डियर स्पंज, आप ओनली 4 मॉक टेस्ट लगाइए, राइट। ओनली 4 मॉक टेस्ट, पहले तो आप 2017 से 2019 तक जो लास्ट ईयर के पेपर्स हैं, राइट, उनके लिए एक ही सजेशन से 2017 से 2019 तक लास्ट ईयर के जो भी पेपर्स हैं उन सभी को निकाल दीजिए, राइट, लगा दीजिए। देन मॉक टेस्ट परचेज कीजिए, मार्केट में बहुत सी ऐसी हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेल करवा रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट भी आप बाय कर सकते हैं, राइट, राइट, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। मॉक टेस्ट आपको जरूर लगाना पड़ेगा, तभी आप निकाल पाओगे प्री का एग्जाम्स, राइट। उससे स्पीड बनेगी, उससे आप देख सकते हैं कि हाँ मेरा इतना क्वेश्चंस बन रहे हैं, इतने मार्क्स मेरे आ रहे हैं, राइट। तो मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके, मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जो स्टूडेंट्स लास्ट टाइम फॉर्म फिल कर चुके हैं, राइट। एंड रीजनिंग्स की बात करें माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इन दिनों की बात करें तो डेली एक मॉक टेस्ट जरूर लगाइए, डेली एक मॉक टेस्ट, डेली दो की बात नहीं कर रहा, डेली एक मॉक टेस्ट, और उसका एनालिसिस, कहाँ आप लूज कर रहे हैं, कहाँ आपको लग रहा है कि मेरी स्पीड है जो कम हो रही है, कौन से क्वेश्चंस में कम हो रही है, कौन से क्वेश्चंस में सॉल्व नहीं कर पा रहा हूँ, राइट, उस पे बेसिस पे अपना एक तरह से एनालिसिस कीजिए, राइट। अगर आप रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग्स में माड़ी रेस्पेंस कोई भी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक चीज़ के अलावा, वो है आपकी पजल। अगर आपकी पजल्स की स्पीड अच्छी है, पजल्स कैसी आपकी स्पीड होगी, जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, डेली की 5 पजल्स अगर आप निकालते हैं, मेंस लेवल की हो चाहे प्री लेवल्स की हो, डेली की 5 लेवल, 3 पजल्स प्री लेवल की और 2 पजल्स आप मेंस लेवल की, डेली की 5 पजल्स फिक्स कर लीजिए, टारगेट पॉइंट एक तरह से कह सकते हैं, राइट, उसको कि हाँ मेरे को इतना करना ही है, तो डेली की 5 पजल कर लीजिए। रीजनिंग्स में आपको कोई नहीं रोक सकता 37-38 नंबर लाने से आउट ऑफ 40, डेली की 5 पजल्स, राइट, गारंटी है इतने अच्छी स्पीड से आप सॉल्व कर पाओगे पूरा पेपर्स, क्योंकि एग्जामिनर पेपर टप करने के लिए पजल्स दे देता है, 4 क्वेश्चंस पजल के डाल देता है, 4 क्वेश्चंस इट मीन्स 20 मार्क्स, यानी कि 20 मार्क्स आपके एक मुश्त आपको मिलता है, बट आप पजल सॉल्व करते हो ना, तो जो रिमेनिंग पेपर्स हैं वो आपका बिल्कुल इजीली सॉल्व होता है, क्यों, क्योंकि कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, राइट, कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, कोई भी क्वेश्चन आप इजीली कर पाओगे, तो इसीलिए कहता हूँ पजल्स को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, पजल्स की गारंटी है आप एग्जाम्स में सिलेक्शंस जरूर लोगे, ओके। तो ये तो थी आपकी प्री की बात, अगर इसके अलावा आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आती, पूछना हो तो जरूर पूछिएगा, ओके। तो मैथ्स के लिए मैंने पेपर्स दे रखे हैं लास्ट ईयर के, अगर आपको भी चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में लिंक रहेगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, सॉल्यूशंस भी अवेलेबल है, वहाँ से आप सॉल्यूशंस भी दे सकते हैं। ये पीयू प्री का पेपर है, पीयू प्री की प्रिपरेशंस कर रहे हैं मैथ्स की, 40 क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर डिस्कशंस किए थे, ओके, आप देख लीजिएगा। एंड ये क्लर्क का था, राइट, अगर आपको चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, आपको पूरा का पूरा पेपर्स मिल जाएगा, पहले पेपर्स को सॉल्व कीजिएगा, देन उसके बाद सॉल्यूशंस आप देख लीजिएगा, राइट, कोई भी प्रॉब्लम्स आपको नहीं होगी, 100% है, अच्छे क्वेश्चंस हैं, देख लीजिए, जो बिगिनर हैं वह भी देखिए, जो फॉर्म फिल कर चुके हैं, पहले भी कर चुके हैं, वह भी इस पेपर को जरूर देखिएगा, ओके, प्रैक्टिस कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेबल्स मैं नहीं लेता आपसे।
राइट, आपकी प्रैक्टिस के लिए, आपकी हेल्प के लिए कर रहा हूँ। ओके, अब आते हैं मेंस की बात, जो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स की डिमांड रहती है, क्योंकि प्री की स्ट्रेटेजी सब बताता है, मेंस की स्ट्रेटेजी कोई नहीं बताता। अगर आप मेंस में अभी से चलेंगे तो गारंटी है आपको बहुत हेल्प मिलेगी नेक्स्ट एग्जाम, आपके एग्जाम्स में। राइट, देखिए RRB PU मेंस एडमिट कार्ड है जो कि टू बी अनाउंस्ड सून। ऑफिसर स्किल्स मेंस है, अक्टूबर नवंबर में आपका मेंस एग्जाम्स होगा, क्योंकि अक्टूबर में आपका रिजल्ट आएगा प्री का, एंड उसके बाद आपकी 2 या 3 दिन बाद या लगभग 5 दिन बाद, विद इन एक तरह से कह सकते हैं 5 डेज में आपका मेंस का एडमिट कार्ड आ जाएगा। राइट, कब आपका एग्जाम्स होगा, कौन सा आपका सेंटर्स होगा ऑफिसर्स स्किल्स की। राइट, एंड ऑफिस असिस्टेंट की भी सेम कहानी है। राइट, और रिजल्ट भी आपका अक्टूबर नवंबर में, एट मीन्स आपके अक्टूबर्स में एग्जाम्स मेन का होना है, ये चीज को आप याद रखिए। ओके, अक्टूबर्स के लास्ट में या नवंबर के फर्स्ट वीक में। राइट, इस चीज़ को आप याद रखिए, ये यहाँ की अभी की है, हो सकता है कुछ चीज़ें चेंजेज हो सकते हैं। अब बात करते हैं अपन सब्जेक्ट्स को। देखिए RRB ऑफिसर्स स्किल्स एंड ऑफिस असिस्टेंट मेंस दोनों में सेम सब्जेक्ट से, कोई एक तरह से प्री में भी सेम है और मेंस में भी सेम है। राइट, थोड़ा सा लेवल ऑफ टफ हो जाता है ऑफिसर्स स्किल्स में। राइट, देखिए रीजनिंग की बात करें, 40 क्वेश्चन 40 आपके 50 मार्क्स के। जनरल्स अवेयरनेस के पेपर्स की बात करें, 40 क्वेश्चन 40 आपके 40 मार्क्स। मैथ्स की बात करें, 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स। इंग्लिश की बात करें, हिंदी और इंग्लिश दोनों में जो ऑप्शनल्स हैं, अगर आपने इंग्लिश चूज किए तो इंग्लिश आएगा, हिंदी चूज की है तो हिंदी आएगा। राइट, कंप्यूटर नॉलेज की बात करें तो 40 क्वेश्चन आपके 20 मार्क्स के 40 क्वेश्चन आते हैं। राइट, यानी कि 1 क्वेश्चन आपके आएगा 0.5 मार्क्स का। ओके, 200 टोटल्स आपके क्वेश्चंस आएंगे और 200 टोटल्स आपके क्वेश्चंस हो गए और 200 क्वेश्चंस आपके 200 आपके मार्क्स हो गए। ओके, और 0.25 एक क्वेश्चंस गलत करते ही 0.25 आपके मार्क्स कट जाएगा, इस चीज को भी आप याद रखिएगा। ओके, अब देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग्स में आपको 40 क्वेश्चंस मिलते हैं 50 मार्क्स के। राइट, तो एक चीज याद रखिए, रीजनिंग्स में मैंने जैसा कि कहा, अगर आपका प्री होता है उसके बाद रेगुलर आप 10 क्वेश्चंस पजल्स के, रेगुलर 10 क्वेश्चंस आपकी पजल सॉल्व कीजिए मेंस की पजल्स। देखिए पहले अपन ने 3+2 मैंने रखी थी। राइट, 3+2, 3 आपकी प्री लेवल की और 2 आपकी मेंस लेवल की। अब आप रेगुलर 10 मेंस की पजल सॉल्व कीजिए रेगुलर। अगर 10 नहीं होता तो 7 कर लीजिए, 5 कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम्स नहीं, क्योंकि मेंस की पजल्स में टाइम नहीं, आपका दिमाग लगता है। राइट, दिमाग बहुत ज़्यादा लगता है टाइम के साथ साथ। राइट, ये एक हलवा टाइप पेपर्स नहीं पूछता। ओके, 3+2 आपकी प्री की बात हुई और मेंस की आपकी मेन पजल ही है और कोई इंपॉर्टेंट नहीं है रीजनिंग्स में, इस चीज़ को ध्यान रख लीजिए, बाकी चीज़ आपकी हलवा टाइप बनती हैं। ओके, मेन पजल ही है, पजल आपको आती है तो रीजनिंग्स में आपका सिलेक्शन पक्का है, रीजनिंग की कट ऑफ आपकी क्लियर है। ओके, मेन अब बात आती है आपकी जर्नल्स अवेयरनेस की, जो GA है। राइट, करंट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चंस GA है, GK के क्वेश्चंस, राइट, स्टैटिक GK के क्वेश्चंस, राइट, सब कुछ आता है इसमें। राइट, 40 क्वेश्चंस पूछता है और 40 मार्क्स का है। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है, तो पहले अपन बात कर लेते हैं इन पर्टिकुलर क्वेश्चंस की, इन सब्जेक्ट्स की, जो मैथ्स है। मैथ्स के मैंने जैसा कि आपको बताया, इसमें DI अगर आप अच्छे से सॉल्व कर पाते हैं मेंस लेवल की, तो गारंटी है आप न्यूमेरिकल्स एबिलिटी भी क्लियर कर पाओगे। राइट, DI सेट, क्योंकि इसमें सिंप्लीफिकेशंस बिल्कुल नहीं पूछता, अप्रोक्सीमेशंस बिल्कुल नहीं पूछता। DI अगर आपकी कैलकुलेशंस अच्छी हैं, टॉपिक वाइज आपकी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, तो गारंटी से आप इसके जो मैथ्स के टॉपिक हैं क्लियर कर पाओगे। राइट, अब ये कैसे होगा, ये आप मॉक टेस्ट जरूर परचेज कीजिएगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, वहाँ से आपको पता चल जाएगा लेवल क्या है। प्रिपरेशन करनी है तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होने चाहिए। मैं रेगुलर प्रैक्टिस करवाता हूँ आपको न्यूमेरिकल्स एबिलिटी के क्वेश्चंस, अर्थमेटिक नंबर सीरीज, DI के क्वेश्चंस, मेरी सीरीज पे जाके आप देख सकते हैं। राइट, वीडियोज में मैंने टॉपिक बेस पर भी DI डिस्कशंस की है, उनकी प्रैक्टिस कीजिए। राइट, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेबल्स नहीं है, तो आप जाके देख लीजिएगा। ओके, ये इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज है और ये आपके कंप्यूटर नॉलेज है। राइट,
जो आपको इम्पॉर्टेंट लगे। ये तो एग्ज़ाम्स मेंस का एग्ज़ाम्स अपन आएगा ना तभी अपन पढ़ेंगे, कोई इम्पॉर्टेंट नहीं है इतना ज़्यादा, राइट। इतना ज़्यादा पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं अभी के लेवल में, राइट। जब आपका रिजल्ट्स आएगा प्री का मेंस का एग्ज़ाम्स, प्री और मेंस रिजल्ट्स के बाद कुछ दिन आपको मिलेंगे, तब अपन पढ़ना पड़ेगा इन चीज़ को, राइट, कंप्यूटर नॉलेज को और आपकी इन चीज़ को। बट इम्पॉर्टेंट है आपका जीए, राइट। माई रेस्पॉन्स, प्लीज़ लिसन टू केयरफुली, जीए बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये पर्टिकुलर ऐसा टॉपिक, ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको सिलेक्शंस करवा भी सकता है, राइट, और आपका सिलेक्शंस डाउन भी करवा सकता है, सिलेक्शंस नहीं भी दे सकता और सिलेक्शंस दे भी सकता है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स में जीए की प्रॉब्लम्स रहती है, राइट। मेरे जो मेरे को मैसेज मिलते हैं, कमेंट्स मिलते हैं, राइट, कि सर जीए में सिलेक्शंस नहीं हुआ, जीए क्लियर नहीं हो पाता, राइट, जीए में कंफ्यूज हो जाते हैं, पूरा का पूरा खिचड़ी हो जाता है एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं। तो माय डियर एस्पिरेंट्स, मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, फर्स्ट ऑफ ऑल इस वीडियो को जाके जरूर देखिएगा, हाउ टू प्रिपेयर जीके, राइट। बहुत ही अच्छे से मैंने वहाँ पर स्ट्रैटेजी बताई थी, कौन कौन से टॉपिक आपको डिस्कशंस करने चाहिए, पढ़ने चाहिए, इस पर्टिकुलर टॉपिक को जाके जरूर देखिएगा। गारंटी है 40 से आपके 30 प्लस भी मार्क्स आएंगे, 30 से कम मार्क्स बिल्कुल नहीं आएंगे अगर उस स्ट्रैटेजी को आपने फॉलो किया है। वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्टिव में इसका लिंक मिलेगा, उसको क्लिक कीजिएगा, देखिएगा पूरा वीडियो, आपको बहुत अच्छा लगेगा, ये मेरी गारंटी है, बहुत हेल्प करेगा वह वीडियो, ओके। जरूर जाइएगा, देखिएगा जरूर, और बाकी मैं रेगुलर आपको जीके पढ़िए, अभी से कंटिन्यू स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अभी चल रहा है जुलाई, यानी कि आपको जब एग्ज़ाम्स होगा उससे पहले का लगभग 4 मंथ का जीके आपको चाहिए। यानी कि सपोज कीजिए अक्टूबर में आपका एग्ज़ाम्स है, राइट, अक्टूबर या नवंबर में आपका एग्ज़ाम्स होगा, अक्टूबर हो गया, यानी कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यानी कि आपकी जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, राइट, इन 4 महीनों का आपको जीके बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस यहीं से कुछ एग्जामिनर आपको देता है, राइट। मेरे कंटिन्यू वीडियो हैं, राइट, मेरे रेगुलर वीडियो मैं मॉर्निंग्स में अपलोड करता हूँ, एक भी क्वेश्चंस, अब बहुत क्वेश्चंस पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, राइट, तो उस वीडियो को फॉलो कीजिए, देखिए क्या क्या क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूँ, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, सब न्यूज़पेपर्स में से मैं डिस्कशंस करता हूँ, उसको देखिए, एक भी दिन मिस नहीं होता वीडियो, जरूर वॉच कीजिए उस पर्टिकुलर वीडियो को, नोट्स क्रिएट कीजिए, मैंने जो टॉपिक इस वीडियो में बता रखे हैं उनको नोट कीजिए, जो जो रेगुलर आप पढ़ते हैं उसको नोट कीजिए। जीके पढ़ने का सबसे बेस्ट वे यही है, एग्ज़ाम्स के समय आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और आप बहुत ज़्यादा भूलोगे भी नहीं, ये मेरी गारंटी है, कभी भी खिचड़ी नहीं होगी। ये एक स्टूडेंट्स का फेमस क्वेश्चन है कि सर एग्ज़ाम्स में खिचड़ी बन जाती है क्वेश्चंस की, तो क्वेश्चंस आंसर्स कोई भी होता है, ऑप्शंस ऐसे ही वो देता है एग्जामिनर ताकि स्टूडेंट कंफ्यूज हो सके, राइट। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखते हुए प्लीज़ जो मैंने स्ट्रैटेजी बताई उसको फॉलो कीजिए, देखिए डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में आपको लिंक है, उसको देखिए, 100% आपको बेनिफिट्स भी मिलेगा। इसके अलावा आपका कोई डाउट्स रहता हो जीके से रिलेटेड, जीके अभी आपको मेंस के लिए पढ़ना पड़ेगा, कौन कौन सी बुक रिलीज होती है, कौन कौन से डेज इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक क्या है, स्टैटिक के बेसिस पे क्या क्या क्वेश्चंस हैं, राइट, तो उसके बेसिस पे टॉपिक वाइज मैंने यहाँ पर आपको बता रखा है। अगर आप रेगुलर वॉच करते हैं, रेगुलर न्यूज पेपर्स पढ़ते हैं, एवरी डे न्यूज पेपर्स अगर आपको चाहिए तो भी आप बता दीजिएगा, आप डेली पढ़ते हैं न्यूज पेपर्स तो वेल एंड गुड, मेरे वीडियो देखते हैं मॉर्निंग का तो भी आपको बहुत बेनिफिट्स मिलेगा, ये मेरी गारंटी है, ओके। आई होप अब आपका क्लियर हुआ होगा कोई चीज़, अगर कोई पूछनी हो तो पूछ लीजिएगा जरूर, कमेंट बॉक्स आपके सामने ओपन है, कहीं भी कोई भी आपका डाउट्स हो कि ये सर कैसे होगा, किस टाइप से होगा, पूछिएगा जरूर। अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल्स को भी, वीडियो को भी अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने ऑल ओवर फ्रेंड्स में, उनको भी पता चल सके किस बेसिस पे प्रिपरेशंस की जाती है, राइट, तभी आप सिलेक्शंस ले पाओगे, क्योंकि कंपटीशंस मैंने जैसा कि आपको बताया बहुत टफ है, वैकेंसीज बहुत कम हैं, कंपटीशंस बहुत हाई है, राइट, ओके। तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा ताकि मेरा मोटिवेशन इंक्रीज हो, आपके लिए वीडियो
देखिए मैं रेगुलर आपकी प्रैक्टिस के लिए बना रहूँगा, मेंस लेवल के क्वेश्चंस भी अपलोड करूँगा, प्री लेवल के भी क्वेश्चंस अपलोड करूँगा, जो बिगिनर हैं उनके लिए भी कुछ क्वेश्चंस मैं अपलोड करूँगा। गारंटी है आप रेगुलर फॉलो कीजिए, आपका सिलेक्शंस मैं करवाऊँगा अगर आप ईमानदारी से मेहनत करेंगे तो। ओके तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग्स, आई होप यू आर एन्जॉय द सेशंस। इफ आई एन्जॉय द सेशंस तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल्स। बहुत ही अच्छे से मैंने आपको बताने की कोशिश की है, हो सकता है आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके हैं, नहीं हुए हैं तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर टाइप करना, मैं जरूर आपके साथ डिस्कशंस करूँगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत।